कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉरएवर। सो गाइस, मेरे लिए रखा है। सो गाइस, अगर आप देख सकते हो कि हम कहां पर बैठे हैं, आरटी एटम है, सिनेपोलिस है, और अभी रात के 9:45 हुआ है, 10 o'clock का शो है, और हम जा रहे हैं देखने कांतारा मूवी, जो कि कन्नड़ा की मूवी है, और हम लोग दोनों को कन्नड़ा नहीं आता। मेरे को तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब समझ में आता है, बट मूवी में कितना समझेगा आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नेवर सीन कन्नड़ा मूवी। अच्छा, अगर तुमको तो भूल ही जाओ, मैं फिर भी उसको लेके आई, क्योंकि घर बैठे क्या करेगा ना अकेला, वो तो रेडी था घर बैठने, बट मैंने फिर भी उसको लेके आया, उसको बिना बोले टाइम नहीं दिया मुझे, मी टाइम। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया, उसको बिना बोले मैंने टिकट बुक किया, 4 टिकट। मम्मी डैडी भी उधर बैठे, एक्चुअली मम्मी बोल रही थी कि मतलब मैंने सुना है बहुत इसका रिव्यूज बहुत अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसको डिमांड किया कि हिंदी में बनाओ, अदर लैंग्वेजेस में बनाओ, तो आई वॉन्टेड टू सी कि क्या है, क्या स्टोरीज है, आई वॉन्टेड टू सी। तो मम्मी ने सुबह मेरे को बताया, तो मैंने टिकट बुक पे कर दिया था, तभी सागर नहाने गया था, तो मैंने बोला चलो फटाफट अभी वीडियो ऑन करते हैं, और आप लोगों को ये बताते हैं कि कैसा लगा मूवी। अभी सागर का मैं रिव्यू भी जानूंगी बाद में, एज अ थर्ड पर्सन, मतलब सागर तो वो लैंग्वेज हम उसको आती नहीं है, तो उसको कैसा लगा, स्टोरी क्या समझा नहीं समझा, सब टाइटल्स होगा पता नहीं, डैडी बोल रहे हैं करके, लेट्स सी, एंड आई विल समझ में आ जाए, वी विल टेल यू। सो 2.5 hour की मूवी है कुछ, सो आई विल लेट यू नो। मुझे यहाँ पे सब लोग मैनेजर्स दिख रहे हैं, सब कर्नाटक वाले, ऑब्वियसली उन लोग आएंगे ना देखने। नहीं, कोई अगर दूसरे लैंग्वेज में होता, जैसे कि और कोई मूवीज आए, जैसे KGF आया, बाहुबली आया, जैसा डब करके निकाला अलग लैंग्वेज में, तो बाकी लोग भी आते हैं। सो पर देखते हैं कैसा है, अभी देखते हैं, सुना है अच्छा है, मोस्टली सब थिएटर्स में नहीं लगा है ये, मैंने देखा ना RCT ये सब जगह नहीं है, कोरेगांव में है, अंधेरी साइड में, मतलब वो एक शो बीच बीच का होगा, ऐसा ये नहीं होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज है, सभी थिएटर्स में रिलीज नहीं किया ये, बट पैन इंडिया बहुत ही ज्यादा मतलब इसके रिव्यूज रेव नहीं किया, बल्कि उसको वर्ड ऑफ माउथ इसका पब्लिसिटी हुआ है काफी ज्यादा, एंड इट इज लाइक ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है। कश्मीर फाइल्स लाइक कश्मीर फाइल्स लाइक वो भी मूवी काफी चली थी, वो तो हिंदी में था फिर भी, तो चलो, बट ये भी रियल स्टोरी है ना ऑलमोस्ट, अभी वो मेरे को एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगी गाइस आप लोगों को कि क्या है नहीं है, देखते हैं अभी कैसे, और हम लोग कुछ ऐसा गलत भी नहीं बोलना है, तो हम लोग खाना का क्या है, अभी कुछ खाने नहीं वाले, लाइक मैंने सागर को पहले वॉर्न किया तो डोंट बाय पॉपकॉर्न एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ फिर वो इतना गले तक आ जाते हैं, फिर सोने नहीं होता, तो अभी कुछ नहीं लेने वाले, पानी का बॉटल लेके गए, नॉर्मल पानी बॉटल भी जाते हैं, ओके। तो चलिए गाइस, मेरे को बोल बोल के खांसी आने लगी, आई डोंट नो आपको वॉइस आ रही कि नहीं मेरी, तो बट स्टिल चलिए बाद में मिलते हैं आपको। हे गाइस, आपने तो टैग के बारे में सुना होगा ना, द आयुर्वेदा कंपनी, यस मैंने भी इसके काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज सुने थे, और मैंने सोचा कि चलो इसके प्रोडक्ट्स ट्राई करना तो बनता है गाइस, एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तो कौन यूज़ नहीं करना चाहेगा, विच इज़ फ्री ऑफ टॉक्सिन्स, पैराबीन, सल्फेट, एंड विच सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। मैंने जल्दी जल्दी फटाफट ऑर्डर कर दिया, फेस वॉश, डे क्रीम विद SPF 20, एंड ऑल्सो नाइट क्रीम। लेकिन इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है पता है, कुमकुम आदि ऑयल, यस इट हैज़ कुमकुम आदि ऑयल, कुमकुम का मतलब होता है सैफरन, आदि का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, अ लॉट ऑफ हर्ब्स, लाइक 28 हर्ब्स उसमें मिक्स होते हैं गाइस, टू गेट दिस मिराकुलस फॉर्मुलेशन। सो गाइस, दीज आर द टैग प्रोडक्ट्स, द फेस वॉश, डे क्रीम एंड द नाइट जेल, एंड इसमें सारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कुमकुम आदि है, फेस वॉश में 7% है, डे क्रीम में इट ऑल्सो कम्स विद SPF 20, एंड नाइट जेल में दोनों में भी 10% कुमकुम आदि है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लाइक आप किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो, एंड ये आयुर्वेदिक भी है, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी कॉस्ट फ्रेंडली एज वेल, इट्स ऑल्सो 100% वीगन, ISO सर्टिफाइड एंड क्रुएल्टी फ्री। 7% कुमकुम आदि फेस वॉश हैज सैफरन एंड 24 karat gold, एंड यू गेट अ ब्यूटिफुल गोल्डन ग्लो वेन यू यूज दिस, हैज इट हैज 24 karat gold dust, इट क्लीन्सेस द स्किन टू रिमूव डस्ट, एक्सेस ऑयल एंड इम्प्यूरिटीज। कुमकुम आदि दैट इज आयुर्वेदा मिरेकल कंपोजिशन मेक्स योर स्किन विजिबली टोन्ड, इम्पार्टिंग अ सपल एंड रेजुविनेटेड टेक्सचर। यू जस्ट नीड टू यूज इट ट्वाइस, सुबह और शाम आपको यूज करना है गाइस, एंड आपको इतनी हेल्दी एंड स्मूथ स्किन मिलेगी ना कि आप भी मतलब टच करने से रह नहीं पाओगे आपके स्किन को। सो गाइस, आफ्टर यूजिंग फेस वॉश द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज यूजिंग डे क्रीम। यस, डे क्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट फेस वॉश करके आप ऐसे रहोगे तो आपकी जो पूरी मॉइस्चर है वो चली जाएगी, एंड योर स्किन विल स्टार्ट लूजिंग द हाइड्रेशन एंड इट विल बिकम डल। इसीलिए आपको डे क्रीम एंड ऑल्सो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, लेकिन आपको भी दो प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टैक्स डे क्रीम हैज SPF एज वेल, इट इज एनरिच्ड विद कुमकुम आदि एक्सट्रैक्ट। टैक्स कुमकुम आदि डे क्रीम इज योर एवरीडे बूस्ट फॉर अ हेल्दी स्किन केयर रेजिम, इट सर्व्स हैज अ होलिस्टिक सोल्यूशन टू डल स्किन, रिवाइविंग योर ग्लो एंड रेडियंस, वाइल मंजिस्टा एंड वाला वर्क टूगेदर टू प्रोवाइड क्लीन एंड टोन्ड स्किन।
इट विल गिव यू हेल्दी ग्लो एंड मॉइस्चराइजेशन. आपके अगर कोई स्मॉट्स है, कोई ब्लेमिशेस है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी एंड विल ऑल्सो इम्प्रूव योर कम्प्लेक्शन. सो गाइज, दिस वॉज द डे केयर रूटीन. अब आती है नाइट स्किन केयर रूटीन. ऐसा नहीं है कि डे केयर में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्रीम लगाए लेकिन नाइट में हम कुछ नहीं लगा रहे. नहीं, नाइट टाइम इज द टाइम व्हेन योर स्किन रिपेयर्स. यस, तो आपको अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन में लगाना चाहिए क्योंकि आप जब सोते हो ना आपकी स्किन हील होती है, एकदम रिपेयर करती है. तो इसीलिए उसे अच्छा अच्छा खाना तो खिलाना पड़ेगा ना. तो व्हाट बेटर देन 10% कुमकुमादी नाइट जेल. सो व्हाइल यू स्लीप योर स्किन हील्स एंड टैक्स कुमकुमादी नाइट जेल प्रोवाइड्स एसेंशियल नरिशमेंट, हाइड्रेशन एंड रेजुविनेशन टू ब्रिंग यू फ्लॉलेस स्किन. दिस नाइट जेल इज डीपली मॉइस्चराइजिंग, डज नॉट क्लॉक पोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आपको इसे डेली नाइट टाइम में यूज करना है. आपकी कॉम्प्लेक्शन एकदम खूबसूरत हो जाएगी, हेल्दी ग्लो आएगा, एक स्मूथ और एक सपल स्किन मिलेगी. सो देखा आपने गाइस, कितनी सिंपल सी रूटीन है ना, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है तो फिर क्या ही चाहिए. मुझे टैग के प्रोडक्ट्स इसलिए पसंद है ना क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, वो लोग क्लियर कट है. एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द पैकेज एंड यू कैन जस्ट रीड इट. सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको जो भी प्रोडक्ट्स लेना है आप जाकर लिंक्स चेक कर सकते हैं. ऑल्सो वेबसाइट पे ना काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो गो एंड चेक आउट द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये कौन सा मूवी है? अच्छा, ये डॉक्टर कम. मैं देख रहा हूँ, लाइट भी भर देना, लाइट भर देना, कभी भी नहीं दिखे. कैसा लगा मूवी? मूवी अच्छा लगा. अभी तक इंटरवल है, अभी इंटरवल तक मुझे पसंद आया. फिर अभी देखूंगी. दिखेगा नहीं आप लोग को, मालूम नहीं आती हूँ. वो देखा था ना हम लोग ने भी, हम लोग जब गए थे तभी वो टाइम में हो रहा था. वो एक मंदिर नगर में वो बाहर खाए थे जब मंदिर था, वहाँ पे चल रहा था ना वो. तुम कितना भी ये करो, तुम अन्याय करेगा तो छोड़ता नहीं. अपने को शेठ बड़ा जमींदार शेठ जैसा एक्टिंग करता है लोग, सबक सिखाता है लास्ट में. तो मिलेगा, बात तो सही है. और पहले ऐसा था भी ना, मतलब जो मांगते थे मिलता था, बट अगर उसको पूरा नहीं किया तो फिर और ये होता है. वो उसका एक क्या बोलते हैं, वो अपने को कमिटमेंट देता ना, वही हस्त बोलते हैं. तो बस वो डरने का जरूरत नहीं. फैमिली का एक दैव होता है, दैव, उसको दैव बोलता है. देव नहीं, दैव, दैव. हर एक घर का एक रहता है. किसी का कोई बोलता है हम पंजुरली को मानता है, कोई कल्लूटी को मानता है. देव का एक पार्ट, देव का एक पार्ट है शिव का. उसमें बोलते हैं ना, सब ट्रेटर में दिखाता है शिव, शिव का विष्णु भगवान का, विष्णु का भी है, शिव का भी है. और कोई ऐसा पिक का मुंह रहता है किसी का, किसी का ये रहता है. अच्छा स्टोरी तो अच्छा बनाया उन लोगों ने. उसका एक्टिंग अच्छा था वो लड़के का ना. अच्छा एक्टिंग. पंजी नहीं करने के लड़के, पंजी नहीं.
पंजी अच्छा उधर से नाम आया उधर से पंजी बोले तो पिग अच्छा उसका मुंह पिग का रहता है मंदिर में भी जाएगा ना उसका ब्रास का पिग रहता है अच्छा हम लोग कभी भी गाँव जाएगा ना हम लोग का खानदान का उधर जाता है वो भी वो कल्लोटी है उधर पंजुरली भी है सो गाइस अभी टाइम 1:50 हम लोग घर पे कब का आ गए थे मैंने 2:00 या मैंने सागर को भी उठाया स्पेशली बोला कि वीडियो एंड करते हैं उसको सागर का रिव्यू चाहते हैं सागर बताओ मुझे तो अच्छी लगी मूवी मतलब स्टोरी अच्छी थी थोड़ा मतलब मालूम पड़ा ना इम्पोर्टेंस एंड क्यों प्रे करते हैं एंड क्या है मतलब बहुत लोग को पता ही नहीं होता ना कि मुझे पता है नहीं तेरे को पता है लेकिन हम लोगों से ऊपर ऊपर से पता होता है ना अंदर अंदर डीपली नहीं पता जो बोलते हैं इम्पोर्टेंस एंड ऑल्सो पैसा सब बहुत बड़ी चीज नहीं है एंड ऑल्सो मटेरियलिस्टिक थिंग्स कैसा है मीन इंसान को इंसान कैसा सोचता है ऐसा होता है व्हाट एवर यू आस्क फॉर यू शुड डू दैट जैसे उस मूवी में बताया था मतलब एक बार देखना चाहिए सबको ना मतलब सबको समझेगा कि हम लोग का जो कल्चर है मैंगलोरियंस का ये जो देवा देवर जो है ना ये मैंगलोरियंस में होता है मेरे को पता है दूसरे उसमें भी होता रहेगा लेकिन हमारे गांव में ऐसे बहुत ज्यादा मानते हैं पूछते हैं उनको दूसरे मैंने भी देखा है एक बार जब मैं गांव गया था दूसरे रिलीजन कास्ट वाले लोगों को इतना मतलब पता नहीं होगा हम लोग का जैसे वो तो सबका अलग अलग होता है अलग अलग हाँ बट वो एक जो स्टोरी का होता है ना जो स्टोरी उन्होंने बताई है बेसिकली जो मोटिव था वो क्लियर हो गया वो क्लियर हो गया और उसमें भी बताया ना कि मतलब इंसान को ये नहीं पता है कि तुम जो रह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है ये सिर्फ हम लोग सब ऐसे जैसे बोलते हैं हम लोग सब इधर रेंट पे रह रहे हैं अभी सब कुछ भगवान का ही है हम लोग सब बोलते हैं अरे ये मेरे को चाहिए वो चाहिए प्रॉपर्टी चाहिए ऐसा चाहिए दुश्मनी पालते हैं धोखा देते हैं बट ऑल दिस इज जस्ट बोलते ना जस्ट टाइम सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए होता है ऐसा वो सब दिखाया उसमें कि जो तुम उसमें मतलब ये भी दिखाया कि तुमने जो बोला है वादा वो निभाना तो पड़ेगा Whatever you ask for, you have to do it. तो और अच्छे सीन्स भी अच्छे थे बीच बीच में ना आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेंगे थोड़ा सा गूज़बम्प्स भी आ जाते हैं बीच में और क्लाइमेक्स भी अच्छा था ना एकदम अच्छी स्टोरी बनाई और मतलब क्या बोलते हैं सबटाइटल्स ये वो बहुत अच्छा था वो हम सेवियर था हमारे लिए सागर का तो वो तो उसको तो बिल्कुल समझता नहीं था मेरे को चलो थोड़ा बहुत तो 10% समझता लेकिन उसकी वजह से मैं भी पढ़ रही थी एंड आई कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली सो तो ओवरऑल जो ओवरऑल थी वो मूवी अच्छी थी पहले मुझे लग रहा था ऐसे कि क्यों जाऊं मतलब नहीं समझेगा एंड ऑल बट अच्छा हो गया सबटाइटल्स था और स्टोरी भी अच्छी थी तो अच्छा लगा देखने कुछ अलग है वही जो अपना चल रहा है आजकल कॉमेडी एक्शन और वो सब जो चल रहा है उससे तो कुछ अलग ही स्टोरी थी तो अच्छा लगा देख के तो क्या और कभी क्या करना है तो गाइस अभी हम लोग वीडियो एंड करने जा रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी 2 बज गए हैं और सुबह उठना भी है थोड़ा जल्दी मुझे थोड़ा नहीं इसको 6 बजे तो अगर क्या बोलना है तेरे को सो गाइस यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी हां सब थिएटर्स में नहीं है लेकिन आपके नजदीकी जो भी थिएटर्स हां एक बार देख लेना गाइस आपके नजदीकी थिएटर में अगर ये मूवी लगी है तो आप जरूर जाके देखना एक बार तो जाके देखना और स्पेशली मैंगलोरियंस को जाके देखना ही चाहिए मुंबई वाले लोग के लिए जो मैंगलोरियंस मुंबई में रहते हैं उनको पता बहुत कुछ पता नहीं होता ना जो अभी के जनरेशन है उनको नहीं पता होता ये सब चीज़ को हम मुंबई में नहीं होता है ना लेकिन वो मूवी देखते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है हमारे जो कल्चर है ट्रेडिशंस है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने मिलता है सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू पू फॉरएवर आई लव यू सो मच द वीडियो सो मच चिल्ड्रन वी विल बी बैक नॉट आई वी बाय बाय गुड नाइट